हेलो तुरंत कॉल कर। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई इंडियन रोड्स पर चलने वाले काफी सारे लोग ऐसे हैं जो गलती करने के बाद बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि गलती उनके तरफ से हुई है। वो हमेशा ही दूसरों पर ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं और खासकर इनमें टू व्हीलर्स वाले कुछ भाई लोग ज्यादा ही होते हैं। बाय चांस इनके गाड़ी का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट बड़े गाड़ी से होता है या सड़क पर चलते समय कुछ भी होता है तो ये हमेशा बड़ी गाड़ी वालों को लपेटने की कोशिश करते हैं। और कहीं भाई गलती से ये टू व्हीलर वाले अपने एरिया में हो तो फिर समझिए ये कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना किए हो, मानने वाले नहीं है। और आप अगर कहीं इनसे बहस करने की कोशिश किए तो उल्टा आपको मारने पीटने पर उतारू हो जाएंगे या फिर पैसे वगैरह भी निकलवा लेंगे। और ऐसी चीजें मैं आपको हमेशा ही वीडियोस में दिखाता आ रहा हूँ, किस तरह से ये लोग लोकल होने का फायदा उठाते हैं और दूसरे सड़क पर चल रहे लोगों पर दबाव बनाकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही एक छपरी राइडर का कारनामा आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा जिसे महाराष्ट्र से मिस्टर दीपक शर्मा ने शेयर किया है। ये इंसिडेंट रिसेंटली नवी मुंबई का है जिसका डैश कैम फुटेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने कार से रात के करीब 8 बजे के आसपास नवी मुंबई के कल्याणशील रोड से होते हुए जा रहे थे, तभी एक जगह पर पीछे से आ रहे स्कूटी वाले ने इनके कार को बैक साइड से हिट कर दिया, जिस पर सर ने उससे बोला कि ध्यान से गाड़ी चलाओ। हालांकि एक्सीडेंट का वीडियो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि गाड़ी में बैक कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सारी ही चीजें फ्रंट कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं और ये आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले आप इस स्कूटी राइडर को देखिए, ये किस तरह से अपनी गाड़ी को चला रहा है। ये भाई एक तो हेलमेट नहीं पहन रखे हैं, दूसरा ये बिल्कुल रोड के बीचों बीच में चल रहे हैं। मतलब भाई इनकी टू व्हीलर है तो नॉर्मल सी बात है कि इनको रोड के किनारे चलना चाहिए था, लेफ्ट वाले लेन में, लेकिन ये बिल्कुल मिडिल वाले लेन में चल रहे हैं जिससे गाड़ियों को निकलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। और ये एक्सीडेंट शायद इस जगह पर हुआ है जहाँ पर गाड़ी फोर्ड इको स्पोर्ट के पीछे चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर दीपक जी ने अपने गाड़ी के स्पीड को स्लो किया है। और यहीं पर आप देख सकते हैं बगल में स्कूटी वाला चल रहा है जिससे कुछ बहस हो रही है। अब इसी छोटे मोटे बहस के बाद यह स्कूटी वाला इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि यह कार ड्राइवर को गालियां वगैरह देने लगा और धमकियां देने लगा। अब भाई के अंदर बिना वजह का इतना भौकाल इसलिए था क्योंकि ये उनका एरिया है, हो सकता है यहीं आसपास ये रहते हों और लोगों को जानते हों, जिस वजह से भाई ने सोचा कि मैं अब तो कार वाले को मारूंगा। इसीलिए ये कार के बिल्कुल आगे आगे चलने लगे ताकि गाड़ी गलती से कहीं आगे ना निकल जाए। और भाई आप देख सकते हैं ये बाकायदा फोन वोन भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को या फिर लोकल में किसी को, ताकि वो लोग आए और गाड़ी को साथ में रोके और ड्राइवर से मारपीट करें या फिर बदतमीजी करें। हालांकि यहाँ पर एक दो जगह कार आगे निकल गई है और साइड में भी कुछ देर के लिए रुकी थी, लेकिन फिर भी इस स्कूटी वाले ने कार का पीछा नहीं छोड़ा है। सड़क पर चल रहे ऐसे ही छपरी लोगों से बचने के लिए भाई आजकल गाड़ियों में डैश कैम लगवाना बहुत जरूरी होता है। ये लोग कब कहां से आकर आपको परेशान करने लगेंगे कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उस टाइम अगर आपके गाड़ी में डैश कैम रहेगा तो आप पुलिस में बाकायदा प्रूफ के साथ कंप्लेन कर सकते हैं। और आज के टाइम पर कम पैसों में बेहतरीन क्वालिटी आपको रेड टाइगर के डैश कैम्स में देखने को मिल जाएगी। इस कंपनी का चाहे सस्ता वाला डैश कैम हो या फिर महंगा वाला, सबकी ही क्वालिटी जबरदस्त है। तो अभी जाइए और बाय कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर भाई चीजें काफी देर तक ऐसी चलती रहती हैं। कार ड्राइवर किसी तरह गाड़ी को आगे निकालते हैं लेकिन पीछे से स्कूटी राइडर आकर उनका रास्ता रोक लेता है। और एक जगह पर आप देख सकते हैं इसने गाड़ी को बिल्कुल बीच रोड पर खड़ा कर दिया है और कार को साइड में लगाने के लिए बोल रहा है। हालांकि कार ड्राइवर गाड़ी को नहीं हटाते हैं लेकिन ये बिल्कुल स्कूटी से उतर कर धमकी वमकी देने लगता है और वही फोन वोन से बात करके अपने गैंग को बुलाने की कोशिश करता है ताकि वो लोग आए और साथ में मारपीट किया जाए। हेलो तुरंत कॉल कर। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे।
हालांकि कार ड्राइवर भाई किसी तरह स्टेयरिंग घुमाकर यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये स्कूटी राइडर बिल्कुल उन्हें जाने नहीं देना चाह रहा है और एक दो जगह तो ये लड़ने से भी बचा है। अगर गाड़ी हल्की सी भी कहीं इसके स्कूटी में टच हो जाती तो ये नाच कर वहीं सड़क पर ही गिर जाते और जैसा कि ये हेलमेट वगैरह पहने नहीं है तो इनको काफी चोटें भी आ जाती। लेकिन अच्छी बात है भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई अगर इनकी हरकत इसी तरह रही तो आज नहीं तो कल ये किसी ना किसी गाड़ी के चपेट में जरूर आ जाएंगे और भाई कहीं उस गाड़ी में डैश कैम नहीं लगा होगा तो फिर समझिए ड्राइवर गया लंबे के लिए। तो भाई यही सारे इंसिडेंट्स को देखकर आपको बार बार कहा जाता है कि गाड़ियों में डैश कैम लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के छपरी लोग आपको हर एरिया में देखने को मिल जाएंगे जो अपने आप को उस एरिया का दादा समझते हैं और वो ऐसे ही सड़क पर चलते समय दूसरों से बदतमीजी करते हैं। हालांकि यहाँ पर तो चलिए कार ड्राइवर किसी तरह निकल गए, लेकिन कई बार लोग फंस भी जाते हैं और उनके साथ मारपीट भी हो जाता है जो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। तो भाई अगर आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन लगे कि अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, तो सबसे पहले आप पुलिस को कॉल करिए और उनको जानकारी दीजिए कि हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं, ताकि भाई टाइमली पुलिस वाले स्पॉट पर पहुंच जाएं और इन जैसे लोगों को सबक सिखा पाएं। बाकी भाई गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाइए, बजट और क्वालिटी डैश कैम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में कमेंट में ये भी बताइए कि ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटना चाहिए।